फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एट होम विद निधि मेहता। आज हम बनाएंगे दिल्ली की मशहूर क्रिस्पी आलू चाट। ये मैं सेंधा नमक से बना रही हूँ क्योंकि आज मैं इसको नवरात्रे के व्रत के लिए बना रही हूँ, पर अगर आप इसको नवरात्रे के व्रत के अलावा भी खाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जो नमक होता है और काला नमक उसको यूज करके बनाइए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये देखिए लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग आलू चाट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी आलू चाट। पर उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरी रेसिपी जरूर शेयर कीजिए। आलू की चाट बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 5 बॉइल्ड आलू। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन आलूओं के पीसेस करने हैं, पर ये ध्यान रखना है कि इनके बहुत छोटे पीसेस हमें नहीं करने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें थोड़े बड़े पीसेस करने हैं आलू के। ये देख रहे हैं आप कि मैंने कितने बड़े पीसेस किए हैं इसके, सभी आलूओं के इस तरह से हम पीसेस कर लेंगे। आलूओं के मैंने पीसेस कर लिए हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी चाट बनाने के लिए हमें आलू लेने हैं तो आलू को बॉईल करके और अच्छी तरह से ठंडा करके उसके बाद ही हम इसको यूज करेंगे। आलू को हमें शेलो फ्राई करना है, उसके लिए मैंने पैन में ले लिया है ऑयल। मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल डाला है और ऑयल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया है। ये आलू इसमें डाल देंगे पैन में और इसको हमें मीडियम आंच पे ही इसी तरह से शैलो फ्राई करना है। अच्छी तरह से हमें सब साइड से आलूओं को अलट पलट के ब्राउन करना है। हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक उसके लिए चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है ये धनिया, ये 100 ग्राम मैंने धनिया लिया है, और 25 ग्राम मैंने लिया है पुदीना, थोड़ा सा लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और ये ली है मैंने 2 हरी मिर्च। ये मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो इससे कम भी डाल सकते हैं। तो मिक्सी के जार में डालेंगे। ये धनिया और पुदीने को मैंने साफ करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा सेंधा नमक, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, थोड़ा सा 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। इसमें डाल देंगे बहुत थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। बहुत ज्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे नहीं तो हमारी चाट जो है वो गीली गीली बनेगी। देखिए चटनी हमारी पीस के रेडी है। चलिए अब अपने आलूओं को भी चेक कर लेते हैं। देखिए आलू एक साइड से ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब इनको इस तरह से पलट देंगे एक एक आलू के पीस को ताकि ये दूसरी साइड से भी ब्राउन हो जाए। ये देखिए आलू जो है वो ब्राउन हो रहे हैं, थोड़े थोड़े से पीस रह गए हैं किसी साइड से, और देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये आलू। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और इसी तरह से भुनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सब साइड से ब्राउन हो जाए। देखिए सभी आलू हमारे बहुत ही बढ़िया ब्राउन हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। वो में डालेंगे ये जो हमने चटनी पीस के रखी है, ये मैं इसमें 2 चम्मच चटनी डाल रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, और डालेंगे इसमें 1/2 नींबू का रस। इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी चाट बनके रेडी होती है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपको इसको नवरात्रि में खाना है तो सेंधा नमक डाल के खाइए, अदरवाइज आप काला नमक और दूसरा नमक जो होता है नॉर्मल नमक उसके साथ इस चटनी को बनाइए और इस चाट को बना के खाइए। बहुत ही मजेदार चाट बनती है ये। हमारी यम्मी आलू चाट बनके बिल्कुल रेडी है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूंगी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।